Good morning student, I am your science teacher and today we are going to study about the simple machine. Our today's topic is the pulley. A pulley is grooved wheel over which a rope passes. Pulley एक wheel होता है जिस पर से rope जो है वो pass होता है. A rope or a chain is used to lift heavy loads using a pulley. It is used mainly to change the direction of force applied. मतलब पुले का यूज़ करके हम फोर्स के डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं. दैट इज़ इंस्टेड ऑफ लिफ्टिंग द लोड अप अगेंस्ट ग्रेविटी, जिससे हम लोड को ग्रेविटी के अगेंस्ट उठा सकते हैं. इट इज़ अटैच टू अ रोप एंड इज पुल्ड डाउन थ्रू द ग्रूव्ड व्हील. द फोर्स अप्लाई इज द सेम बट द वर्क इज मेड इजियर बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. फोर्स पुले की हेल्प से हम किसी भी वेट को लिफ्ट कर सकते हैं, उठा सकते हैं. अ पुले कैन बी यूज इन थ्री वे. पुले का यूज़ हम थ्री वे से कर सकते हैं. पहला है फिक्स पुले. दिस पुले आर फिक्स एट वन प्लेस. अ पुले यूज्ड फॉर ड्राइंग वाटर फ्रॉम अ वेल इज फिक्स्ड पुले. जब हम कुएं से पानी निकालने के लिए एक पुले का यूज़ करते हैं, जो पुले होता है वो फिक्स होता है, इसलिए फिक्स पुले है. फ्लैग पोल इज़ ऑल्सो अ फिक्स्ड पुले. फ्लैग पोल मतलब झंडा फहराने के लिए जिस हम पोल का यूज़ करते हैं, वो भी एक फिक्स्ड पुले है. द एडवांटेज ऑफ द फिक्स्ड पुले इज़ दैट यू डू नॉट हैव टू पुल और पुश द पुले अप एंड डाउन. इसका एडवांटेज ये है कि हम इसे ऊपर और पुले को ऊपर और नीचे नहीं कर सकते. और उसका डिसएडवांटेज है कि हम इसको ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते. सेकेंड इज़ मूवेबल पुले. अ मूवेबल पुले इज़ अ पुले दैट मूव विद द लोड. मूवेबल पुले जो होता है वो लोड के साथ मूव करता है. जैसे यहाँ हम देख रहे हैं कि लिफ्ट जब हम लोड को ऊपर कर रहे हैं तो पुले भी ऊपर जा रहा है, मतलब ये मूव कर रहा है. यू हैव टू यूज लेस एफर्ट टू पुल द लोड. एंड थर्ड वन इज कम्बाइंड पुले. अ कम्बाइंड पुले इज ईजियर टू यूज. अ लिटिल एफर्ट इज नीडेड टू लिफ्ट द लोड ऑलमोस्ट लेस देन हाफ द वेट ऑफ द लोड. कम्बाइंड पुले के यूज से हम जो लिफ्ट है उसे आसानी से उठा सकते हैं और इसमें हमारा जो वेट है वो लगभग हाफ हो जाता है. नेक्स्ट वन इज़ द इंक्लाइन प्लेन. इट इज़ ऑल्सो अ सिंपल मशीन. ये एक सिंपल मशीन है. एन इंक्लाइन प्लेन. प्लेन मीन्स स्लोपिंग प्लेन. इसका मतलब होता है एक स्लोपिंग प्लेन, जिसके हेल्प से हम किसी भी चीज़ को आसानी से एक जगह से दूसरे जगह ले जा सकते हैं. हैव यू सीन बैरल ऑफ द ऑयल बींग लोडेड ऑन अनलोडेड फ्रॉम अ ट्रंक. क्या आपने किसी भी ऑयल के टैंकर को कंटेनर को किसी भी गाड़ी से लोड होते या अनलोड होते देखा है. अ पाग प्लांक इज प्लेस विथ वन एंड ऑन द ट्रक एंड द अदर ऑन द ग्राउंड इन द फॉर्म ऑफ एन इंक्लाइन प्लेन. उसका एक पार्ट जो है वो ट्रक पर होता है और एक पार्ट जो है वो ज़मीन पर होता है. सो दैट द बैरल कैन रोल अप और डाउन द स्लोप. जिसकी वजह से जो बैरल है, जो कंटेनर है, वो आसानी से अप और डाउन किया जा सकता है. अ प्लांक यूज इन द वे इज कॉल्ड अ रैम्प. जो प्लांक हम यूज़ करते हैं उसे हम रैम्प कहते हैं. अ स्ट्रेन केस इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ अ रैम्प. जो स्टेयर केस होता है वो एक गुड एग्जाम्पल है प्लेन का. इन द सेम वे एट अ कंस्ट्रक्शन साइट. आपने कंस्ट्रक्शन साइट मतलब जहाँ पर घर बन रहा है या बिल्डिंग बन रहा है, वहाँ आपने देखा होगा कि लेबर जो होते हैं वो प्लांक का यूज़ करके ईजिली लोड्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचा सकते हैं, इसको आसानी से अंदर या बाहर कर सकते हैं. यू कैन इमेजिन हाउ डिफ़िकल्ट वुड बी टू ब्रिंग अ स्कूटर इन टू द वरांदा विदाउट स्लोप. क्या आपने कभी रियलाइज किया है कि बिना स्लोप के आप स्कूटर को अंदर या बाहर कैसे कर सकते हैं, कितनी डिफ़िकल्टी आपको होगी. ऑन द माउंटेन द वाइंडिंग रोड आर ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ इंक्लाइन. माउंटेन में भी आपने देखा होगा कि वहाँ पर जो है स्लोपिंग रोड्स होते हैं जो इंक्लाइन प्लेन के एग्जाम्पल हैं. नाउ अ डे बिग सिटी हैव फ्लाई ओवर टू रिड्यूस द ट्रैफिक प्रॉब्लम. आजकल बड़े शहरों में आपने फ्लाई ओवर देखा होगा जिससे ट्रैफिक प्रॉब्लम को कम किया जा सके.
They are built high above the existing road in the form of an inclined plane. Railway overbridge are made also this type. इसी टाइप में आपने जो ब्रिजेस होते हैं ओवर रेलवे में वो देखा है, और आजकल ट्रैफिक को कम करने के लिए जो रोड बनाए जा रहे हैं, फ्लाईओवर बनाए जा रहे हैं, वो भी इंक्लाइंड प्लेन के एग्जांपल हैं। सो स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टूड द पुले एंड इंक्लाइंड प्लेन। थैंक यू स्टूडेंट्स।